ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा सा ट्रायंगल कौन सा पी क्यू और आर, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? एक ट्रायंगल है बहुत बड़ा एबीसी और एक ट्रायंगल छोटा सा क्या है पी क्यू आर, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? द आंसर इज यस, ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलरिटी का मतलब कभी ये नहीं कहा गया कि ट्रायंगल डिट्टो सिमिलर, सिमिलरिटी का मतलब कहीं ये नहीं कहा गया कि ट्रायंगल डिट्टो सिमिलर हो, सिमिलरिटी का मतलब ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनली सिमिलर, ट्रायंगल्स बेटा सब लोग अपने आप को पहले म्यूट कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सब लोग म्यूट कर लो, ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनली सिमिलर हो। प्रोपोर्शनली सिमिलर हो मतलब क्या, सबसे पहली बात कि अगर इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, फर्स्ट थ्योरम इस ट्रायंगल के कोई से अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बोल दूं और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बोल दूं, मान लो कि ये 30 है और ये भी क्या है 30 और अगर ये 60 है और ये भी क्या है बेटा 60, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए ए सिमिलरिटी, बाय व्हाट ए ए सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं ए ए मतलब एंगल एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल हो गए तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो सर ट्राइंगल के सिमिलर होने का मतलब क्या होता है, मिनट में पढ़ रहे हैं, पहले दूसरी चीज समझ लो, अगर इसी में बोल दूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल है, अरे सर दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली तीनों एंगल ही इक्वल होंगे, तीसरा एंगल कहां जाएगा, तीसरा एंगल भी सेम ही होगा, तो अगर मैं बोलूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 30, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 60, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू जो भी बचा है शायद 90 बचा, तो बट ऑब्वियसली बात है कोई फर्क ही नहीं दोनों थ्योरम में। तो ट्राइंगल अगेन ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल वॉट पी क्यू आर बाय वॉट ए ए ए, इसको ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर मैं तुमको तीसरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं कि ये ट्राइंगल और कब सिमिलर होते हैं, जब ट्राइंगल की साइड्स इक्वल नहीं हो, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, जब ट्राइंगल्स की साइड्स भले इक्वल ना हो लेकिन साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब सर ये कैसा होगा, जब अगर मैं तेको बोलूं अगर ये 6 है ये 5 है और ये अगर तेको बोलूं 3 है ये 12 है ये 10 है और ये अगर 6 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ट्रायंगल एबीसी का ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में कितना पी आर, इट इंप्लाइज ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में PR, इसका मतलब अगर मैं ढंग से बोलूं क्या मैं बोल सकता हूं कि वो 6/12 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 3/6, 6/12 5/10 और 3/6 और सब इक्वल टू क्या आ रहे हैं हाफ, अगर सब इक्वल टू हाफ आ रहे हैं तो ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये ट्राइंगल्स सिमिलर है बाय वॉट SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है बेटा। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो मैं गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक और फोर्थ वाली थ्योरम समझाता हूँ। अगर दो ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास कौन सा, अगर ये तेरे पास ए बी सी है और ये ट्राइंगल है तेरे पास कौन सा पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख नहीं रहे सर, थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो। हाँ बेटा और कर दो कैमरा, तो मैं नीचे ला रहा हूँ वैसे तो कैमरे को, एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, अगर बच्चे ध्यान से समझे, और मैं बोलूं कि इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल पी इज इक्वल टू 50 मान लेते हैं, इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल पी इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल पी इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, फर्स्ट थिंग। सेकंड बोल के रखा है कि इसकी ए बी अपॉन में पी क्यू, मतलब अगर ये 8 है तो ये 4 है और ये अगर 2 है तो वो अगर 1 है, तो इसकी AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू उसकी AC अपॉन में PR, इसकी AB अपॉन में कितना PQ इज इक्वल टू उसकी AC अपॉन में कितना PR, अगर ये रेशियो इक्वल है क्या देखना यार बेटा, तो सोचना इसकी AB कितनी 8 वो क्या है 4, ये कितना है 2 और वो कितना है 1, अगर ये रेशियो इक्वल है तो अगेन आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by SAS, side angle side,
तो सर क्या ये चार थ्योरम होती हैं? हाँ यार बेटा ये चार थ्योरम होती हैं। पांचवी थ्योरम तू सिमिलरिटी में ये पढ़ेगा, पहले तो ये चार थ्योरम होती है। तो ट्रायंगल के सिमिलर होने का मतलब क्या? डिट्टो सिमिलर ना राजा, ना डिट्टो सिमिलर नहीं, ट्रायंगल प्रोपोर्शनली सिमिलर। ट्रायंगल क्या है? प्रोपोर्शनली सिमिलर। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्रायंगल प्रोपोर्शनल। एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ी ट्रक है उसी की डिप्लोमेटिक, एक छोटी ट्रक है मतलब उसी का एक छोटा मॉडल छोटी ट्रक है। तो दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का मतलब होता है कि ट्रायंगल एक जैसे दिखते हैं, इनके साइड का रेशियो एक जैसा है, इनके एंगल एक जैसे है। एग्जैक्टली सेम होना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे की बात करूं तो एक लास्ट थ्योरम पढ़ानी थी, वो होती है मेरे पास बीईटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब सर आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इफ अ लाइन ड्रॉन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये थ्योरम ऐसा बोलती है। तो इसमें बहुत यूज आती है, इफ अ लाइन ड्रॉन, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, पैरेलल टू एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन अदर टू साइड्स, and other two sides are divided in the same ratio. तो बच्चे समझें कि यहाँ का जो रेशियो होगा AP upon में कितना PB is equal to AQ upon में क्या हो जाएगा QC. अगर ये पैरेलल है तो ये जो रेशियो है ये अपॉन ये is equal to ये upon ये तुम्हारी होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं समझाता हूँ कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक बार किसी भी तरीके से सिमिलर प्रूफ हो गए, या गिवन दे दिए गए कि ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर, ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्रायंगल्स हैं, अगर ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो सर क्या हो जाएगा? अरे मजा आ जाएगा। कहीं से भी तुमको गिवन मिल जाए कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दे दनादन कह देना जय श्री राम। राम आज तक तो कहना ही पड़ेगा राम जय श्री राम। लेकिन तुम बोलना AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ये दादन कह देना एंगल A is equal to एंगल B, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, कोई भी अगर दो ट्रायंगल आपस में किसी भी प्रकार से सिमिलर हो जाते हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उनकी साइड्स के जो प्रोपोर्शनेट रेशियोज हैं, प्रोपोर्शनेट क्या है रेशियोज और साइड्स सारे क्या होते हैं इक्वल, और यही रेशियो होता है उनके मीडियन का। अगर मैं तेरे को बोलूं ये एडी है और ये क्या है पीएम, तो ये ऑलरेडी इक्वल टू होगा एडी अपॉन में पीएम। अगर मैं तेरे को बोलूं ये एडी और पीएम मीडियन भी हो सकते हैं, अगर यही ऑल्टीट्यूड भी है, सर मीडियन और ऑल्टीट्यूड में फर्क क्या होता है 90 डिग्री का, मीडियन होता है मिड पॉइंट, मीडियन क्या होता है बेटा मिड पॉइंट, और ऑल्टीट्यूड होता है बेटा 90 डिग्री के लिए। तो अगर ये मीडियन के भी इक्वल हो जाते हैं और ऑल्टीट्यूड के भी इक्वल होते हैं, सर क्या ये सब समझना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है बेटा, अभी कुछ एक दो एक ना बाउंसर क्वेश्चन फेंकूंगा फिर तुम देखना कि तुमको क्यों जरूरी है। तो सर आपने समझाना क्या चाहा कि अगर दो ट्राइंगल गलती से भी अगर सिमिलर है, दो ट्राइंगल गलती से भी अगर सिमिलर है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, देन उनके साइड के रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और AC upon PR इक्वल हो जाएगी किसके AD upon PM के, चाहिए मीडियन हो चाहिए ऑल्टीट्यूड हो इक्वल हो जाएगी। इसी से मेरे को आपको अब समझाने का दिल करता है, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा एरिया थ्योरम। सर एरिया थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में, दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं, तो एरिया ट्रायंगल ABC upon में एरिया ट्रायंगल PQR, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC upon में area triangle PQR would be equal to AB का square upon PQ का square is equal to BC का square upon में QR का square is equal to AC का square upon में PR का square। area का ratio, इस बार sides के ratio की बात नहीं हो रही बेटा, उनके area के ratio की बात हो रही है। तो area किसके ratio में equal होता है AB square upon PQ square, BC square upon QR square, AC square upon में कितना PR square। पहले बच्चे यहाँ तक लिख लो फिर बना दे कि एक 6 मीटर का पोल है वो 4 मीटर की शेडो कास्ट करता है, एक 3 मीटर का पर्सन है उसकी हाइट कितनी होगी, अपन बोल देंगे भाई तीनों में 90-90 सेम है और एंगल सी क्या है सेम है, तो बोल सकता हूँ इसकी 6 बिल्कुल सही अपॉन में इसकी क्या 3 इज इक्वल टू बड़े वाले की कितनी 4
अपॉन में नीचे वाले की शेडो कितनी हो जाएगी, एक्स। तो सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आंसर आ जाएगा आपका, ये बन सा, ये टू सा, तो एक्स इक्वल टू टू। तो सर ये तो बहुत इजी था, हमने कर लिया, क्यों चिंता की बात मेरे पास। ए बी सी और इसकी ये लाइन है एक्स वाई, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू व्हाट, ए सी। अब आपको बोल के रखा है और लाइन ये बोल सकते हैं लाइन एक्स वाई डिवाइड्स, लाइन एक्स वाई डिवाइड्स ए बी सी इन टू इक्वल एरियाज, इन टू इक्वल एरियाज फाइंड फाइंड ए वाई अपॉन में वाई बी, फाइंड ए वाई अपॉन में वाई बी। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर समझा देता हूं बराबर से। देख बेटा उसने बोला कि ये एक्स वाई डिवाइड द एबीसी इन टू इक्वल एरियाज, तो ये एक्स और ये कितना है एक्स। तो अगर मैं बात करूं बहुत ढंग से तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई, वाओ, ए बी सी अपॉन में कितना बी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसमें ए बी का स्क्वायर अपॉन में बी वाई का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन में कितना बी वाई का स्क्वायर, अभी तुमको एरिया थ्योरम पढ़ाई। तो सर ये जो ए बी सी है इसके आगे भी लिख सकता हूँ बहुत सारी बातें, जो ए बी सी है सर ये तो हो गया अपना टू एक्स पूरा एरिया, और बी एक्स वाई क्या हो गया एक्स, तो ये तो हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन में बी वाई स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, ये टू इज टू वन हो गया। अगर मेरे को ए बी अपॉन में बी वाई चाहिए बेटा तो ए बी अपॉन में बी वाई, तो मैं रूट टू इज टू वन में लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में बी वाई। तो सर इसका मतलब आपके हिसाब से थोड़ा सा रेशो माने तो जो पूरी ए बी है वो एक प्रकार से रूट टू है। मैंने बोला हाँ यार बेटा मैं मान सकता है कि पूरी ए बी रूट टू है, रूट टू ए हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और जो ये बी वाई है वो वन है, अगर तुम उसको रूट टू ए मानते हो कुछ भी हो सकता है, रूट टू और बी वाई कितनी है वन, तो बता इतना हिस्सा क्या होगा रूट टू माइनस वन, भाई ये पूरा रूट टू ये पूरा वन ये कितना हो गया रूट टू माइनस वन। से पूछा क्या था उन्होंने, आंसर पूछा था ए वाई अपॉन में वाई बी कितना होगा, ए वाई अपॉन में वाई बी, तो बेटा ए वाई तेरे पास क्या आ गया रूट टू माइनस वन और वाई बी तेरे पास कितना आ गया वन, सो दिस इज द आंसर रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू, एरिया थ्योरम से सॉल्व हुआ, समझना चाहिए था आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे साथ आपके सामने आ रहा है कि सर राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और अगर मैं बोलूं ये जो बी डी है ये बी डी परपेंडिकुलर टू कितना है ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू कितना है ए सी, तो मुझे आपसे ए डी स्क्वायर की, ए डी भी नहीं ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस कुछ, क्या आप ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर भी क्या, मेरे को आपसे बी डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे आपसे डी सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे आपसे ए सी स्क्वायर, ए सी भी नहीं बी डी स्क्वायर की हो गई आपके डी सी स्क्वायर की, मेरे को आपसे सी बी इंटू सी डी चाहिए, कुछ चीजें चाहिए इस हिसाब से। तो इसके थ्रू आप समझाना क्या चाहते हो, तो पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको अगर अपन समझ लेंगे तो अपने पास इजी हो जाएगा कि मैं इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी लगा के आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, सिमिलरिटी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो 90 डिग्री वाला हो या फिर 90 डिग्री हो तो मान के चलना तीन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, नंबर वन छोटा सा ट्राइंगल नंबर वन में बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी की, फिर ट्राइंगल नंबर टू, कौन सा ट्राइंगल नंबर टू ट्राइंगल बी डी सी, ये ट्राइंगल नंबर तो हमारे पास क्या हो गया टू बी डी सी, और ट्राइंगल नंबर थ्री, ट्राइंगल नंबर थ्री पूरा ए बी सी, ये तीनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये तीनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। सर तो समझा भी दो, तो सबसे पहले समझ कि ट्राइंगल ए बी डी जो ये छोटू ट्राइंगल है, ये जो छोटू ट्राइंगल है क्या ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, हाँ बेटा, क्यों, क्योंकि छोटू में क्या है एंगल ए और बड़ू में भी क्या है एंगल ए, देख छोटू में भी यही एंगल ए है और बड़ू में भी क्या है यही एंगल है, तो छोटू का एंगल ए और बड़ू का एंगल ए दोनों क्या है हमारे पास सेम है,
छोटू का एंगल ए और बड़ू का एंगल है हमारे पास सेम है। छोटू में एंगल डी इज इक्वल टू 90, छोटू में एंगल डी क्या है 90, और बड़ू में क्या है एंगल बी इक्वल टू 90। तो क्या इनके दो ट्राइंगल दो एंगल सेम हो गए? और अगर इनके दो एंगल सेम हो गए, इनके अगर दो एंगल सेम हो गए तो बच्चा समझ सकता है कि ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय वॉट ए, बाय वॉट ए। तो इनके नाम लिखने का तरीका भी ये है, किसका ए के बाद डी और उसके बाद लिख देना बी, और इस ट्राइंगल का नाम लिखना ए के बाद बी के बाद जो बचा हुआ है सी। तो वे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सर क्या करें? अब झांझ बचाए ट्राइंगल सिमिलर नहीं बचा। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी ए डी अपॉन में इसकी ए बी, सर ये क्या कर रहे हो, इसकी ए डी अपॉन में इसकी ए बी इज इक्वल टू इसकी जो लास्ट वाला है डी बी अपॉन में इसकी क्या बी सी इज इक्वल टू जो फर्स्ट और लास्ट इसकी ए बी अपॉन में इसकी ए सी। कुछ कुछ बच्चों के ऊपर से गया हुआ कंसेप्ट समझाऊंगा, दो मिनट रुको, सिर्फ दो मिनट का और टाइम दो, पांच समझाऊंगा, सिर्फ इनको घूर घूर के देखो फर्स्ट और लास्ट को। अगर फर्स्ट और लास्ट को घूर घूर के देखे तो मेरे पास कुछ अच्छा कंसेप्ट बन रहा है। जरा क्या मैं इससे बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, कितना कितना वो वैसे कंसेप्ट आ रहा है सर, लेकिन मजा नहीं आया है। ठीक है, जिसको मजा नहीं आया उसके लिए एक बार फिर से, अगर मैं इस ट्राइंगल को बोलूं ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी करके देखें क्या, बी डी सी सिमिलर टू वॉट ए बी सी, बी डी सी सिमिलर टू वॉट ए बी और सी, तो सर ये कैसे करोगे आप? अरे बेटा बिल्कुल करूंगा मैं। तो सर कैसे करोगे समझाओ ना बेटा, दोनों में एंगल सी क्या है कॉमन, बट छोटे वाले में भी यही एंगल सी है और बड़े वाले में भी क्या है यही एंगल सी, छोटे वाले में भी यही एंगल सी है और बड़े वाले में भी क्या है यही एंगल सी है। तो उसके अलावा क्या है, अरे बेटा छोटे में एंगल डी क्या है 90 और बड़े का एंगल बी है 90, तो अगर ये सिमिलर है तो इसका बाय वॉट अगेन बाय वॉट ए, बाय वॉट ए, तो बच्चा समझे कि इसका सी डी बी, सी डी और बचा बी इज सिमिलर टू इसका सी बी और उसका बचा हुआ ए है। तो अब इसकी सी डी अपॉन में इसकी क्या ई बी इज इक्वल टू इसकी क्या डी बी अपॉन में इसका क्या बी ए इज इक्वल टू इसका क्या सी बी अपॉन में इसका क्या सी ए। तो सर बच्चा समझाना क्या था बेटा, मैं बोलूंगा इसको और इसको, इसको और इसको अगर ध्यान दोगे तो इधर से अपने क्या मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा तेरे पास सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी। सर क्या क्या बातें बता रहे हो, देख ना बेटा सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी है। तो सर क्या ये एग्जाम में काम आता है क्या? कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये एग्जाम में क्या काम आता है। बेटा एक बात और समझाता हूँ फिर मैं देखो इसका एग्जाम की, मुझे बता अगर पूरे ट्राइंगल में इसको 90 मान, समझना इसको 90 और इस एंगल को थीटा मान, ठीक है, तो मतलब ये जो एंगल है बचा हुआ क्या हो गया 90 माइनस थीटा, पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है, पूरे ट्राइंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर इसको 90 मानू उसको थीटा मानू तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और वैसे ही अगर इस छोटे से ट्राइंगल ये अगर 90 है, ये 90 है और अगर ये थीटा है, ये 90 है और अगर ये थीटा है, तो मतलब ग्यारह एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब बच्चे को समझाना क्या चाहता हूं मैं बच्चे को समझाना चाहता हूं कि सुन और समझ कि इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल कौन सा ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा बी डी सी, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना 90, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना 90, दोनों में इसमें भी 90 है इसमें भी 90, लेकिन इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी वो क्या है 90 माइनस थीटा। इस वाले ट्राइंगल का ये 90 माइनस थीटा है, इस वाले ट्राइंगल का ये 90 माइनस थीटा है, तो ये ट्राइंगल भी क्या होगा सिमिलर, ट्राइंगल कौन सा डी
बी ए इज सिमिलर टू डी सी बी, डी बी ए और ये क्या हो गया डी सी बी, तो इसका क्या हो जाएगा,